बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स का आज हमारा 17th लेक्चर है, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को, नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जी बच्चे, हम कल पेज नंबर 26 पे बी प्रॉपर्टी तक पढ़ चुके थे, और आज हम सी प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले सी प्रॉपर्टी में कह रहा है, थ्री होल नंबर्स टेकन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड द क्वोशेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड इज डिवाइडेड बाय द थर्ड, द रिजल्ट इज नॉट द सेम व्हेन द फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय द क्वोशेंट और द सेकेंड एंड द थर्ड। वो कह रहा है कि अगर आपके पास तीन नंबर डिवाइड हो रहे हों और हम उनकी तरतीब चेंज कर दें तो आंसर सेम नहीं आएगा, जैसा कि नीचे उसने एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। 8 डिवाइड बाय 4 आंसर 2 आता है, और 2 को जब 2 से डिवाइड करते हो आंसर 1 आ जाएगा। हम तरतीब चेंज करते हैं 8, और पहले हम 4 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आंसर 2 आता है, और जब 8 पे को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो आपने देखा कि दोनों का आंसर डिफरेंट हो गया है, तो इट मींस के इसके लिए ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। जी तो ये हमारी प्रॉपर्टी है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, लेकिन डिवीजन के लिए होल्ड नहीं कर रही। आगे डी पार्ट पे चलते हैं, द होल नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स अ क्वोशेंट व्हिच इज द नंबर इटसेल्फ। मीन्स क्या कहना चाह रहा है वो, जब भी हम किसी नंबर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा वही नंबर आ जाएगा जो कि नंबर पहले था। जैसे 4 डिवाइड बाय 1 किया तो आंसर हमेशा हमारा 4 ही आएगा। इस तरीके से 0 डिवाइड बाय 1 करें तो आंसर हमेशा हमारा 0 आएगा। जी उसके बाद ई प्रॉपर्टी है, 0 डिवाइड बाय नॉन जीरो नंबर विल गिव 0 एज क्वेश्चेंट। जब भी हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा 0 आएगा, जैसा कि यहाँ पे उसने किया भी हुआ है। वो 0 डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं, आंसर 0 आएगा। 0 डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं, आंसर 0 आएगा। बच्चे यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूँ, कभी भी हम किसी नंबर को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं होता, हमेशा हम न्यूमिनेटर के अंदर 0 लेते हैं। जब भी आप लोग अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से कर रहे हो जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर यानी कि फ्रैक्शन के नीचे, बटे के नीचे 0 आ रहा हो, तो एक स्पेशल केस होता है जो भी आपके अभी उसमें शामिल नहीं है। तो अभी आपने सिर्फ ये चीज का ख्याल रखना है कि फ्रैक्शन के ऊपर हमेशा 0 आएगा, फ्रैक्शन के नीचे 0 नहीं आता। जी बच्चे उसके बाद वो बता रहा है कि हमारे जो मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं उनमें वैल्यूज़ को किसी चीज़ को काउंट करने के बाद हमने कुछ ना कुछ उसके सिंबल्स के नाम रखे हुए हैं। जैसे इसको हम 1 0 पढ़ते हैं, फिर 1 पढ़ते हैं, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9। इन सिंबल्स को हम किसी का नाम देते हैं, डिजिट्स का। क्या नाम देते हैं इसको, डिजिट्स का। तो इससे ये जो 10 डिजिट्स हैं ये मिल के डेसिमल सिस्टम कहलाते हैं। चूंकि इसके अंदर टोटल 10 डिजिट्स आ रहे हैं तो ये 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने हो जाएंगे, 10 डिजिट्स हो जाएंगे, तो इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। आगे बच्चों ने कंपैरिजन किया हुआ है जो हमारे पास पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, यानी अगर जो यूनिट पार्ट है उसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहा जाता है, ताकि आपको ये चीज भी समझने में, पढ़ने में आसानी रहे। अभी तक आपने देखा होगा हम मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन या 1 बिलियन इस तरीके से वर्ड्स यूज कर रहे थे, लेकिन अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में वैल्यूज को, नंबर्स को इस तरीके से काउंट नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान में क्या तरीके का यूज किया जाता है उसने यहां पे हमें बता दिया है, आप इसको भी देख लें और अच्छे तरीके से आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लेना है। जी बच्चे यूनिट पार्ट जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको, जो राइट साइड पे राइट मोस्ट पे आता है वो यूनिट ही होता है दोनों सिस्टम्स में, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। उसके बाद 10th पार्ट भी दोनों जगह पे सेम है, फिर 100 भी दोनों जगह पे सेम है, उसके बाद 1000th पार्ट भी दोनों जगह पे सेम है, फिर 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रहता है 100,000, लेकिन पाकिस्तान में उसको लाख पढ़ा जाता है, 1 लाख जिसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद मिलियन जब आ जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में तो वो 10 लाख बन जाता है, 10 लाख हो जाता है। उसके बाद 10 मिलियन के बाद आ रहा है 100 मिलियन, जब 100 मिलियन सॉरी मिलियन के बाद आ रहा है 10 मिलियन, तो 10 मिलियन को हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं करोड़, इसको 1 करोड़ या 2 करोड़ इस तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे उसके बाद 100 मिलियन आ जाएगा तो उसको 10 करोड़ पढ़ा जाएगा, और जो बिलियन होता है उसको हम अरब पढ़ते हैं। तो बच्चे ये आपने दोनों वर्ड्स याद कर लेने हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, जब भी अगर आप मिलियन की बात करोगे या 10 मिलियन की बात करो तो आपको पता हो कि जब पाकिस्तानी लैंग्वेज जो पाकिस्तानी सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करेंगे तो वो किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, आप देख सकते हो 100,000 1 लाख, उसके बाद 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, 100 मिलियन इज इक्वल टू 110 करोड़, और 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 अरब या 1 अरब हो जाएगा।
जी बच्चे, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे टॉपिक है प्लेस वैल्यू का। तो यहाँ पे बच्चे आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल अगर वो कहा जाए किसी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करें, तो आप करेंगे क्या, उस जो इस पोजीशन पे वो है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर ये 4, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 5264, इसमें कहा रहता है कि 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करें। तो चूंकि ये यूनिट पोजिशन पे यानी फर्स्ट पोजिशन पे है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, आंसर हमारा 4 आएगा। तो इस नंबर की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4। इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर दें, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 5246, तो ये 10th पोजीशन पे आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। इसके बाद थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, 5426 कर लेते हैं। आप देखें ये यूनिट 10 और 100 पोजीशन पे आ गया है, तो हम इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 100 करके 400 इसकी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से अगर ये और लेफ्ट पे हम ले जाएं, तो ये 1000 पोजीशन पे आ गया है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो ये आंसर आएगा 4000। इस तरीके से हम इसकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे बच्चे आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, उसने हमें बताया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म, मींस पहले आप लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 100,000, इस तरीके से 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन वगैरह के नंबर आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आपको इसको पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर जिस तरीके से 1 करोड़, 2 करोड़ या लैक इस सिस्टम में लिखना हो, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं भी आपको यहाँ से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये देख लें, सबसे पहले उसने एक नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा एक नंबर गिवन है। अब उसने करना क्या है, आपने किस तरीके से इसको लिखना है, 8 डिजिट ये नंबर है। सबसे पहले बच्चे जिस तरह हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी सिस्टम में भी 3 डिजिट्स लिख लिया जाएंगे। ये इंटरनेशनल, ये पाकिस्तानी सिस्टम है और ये इंटरनेशनल सिस्टम है। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन, 10 मिलियन वाले सिस्टम में हम अगले 3 नंबर लेते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी सिस्टम में आप लिखेंगे तो उसको 2 नंबर आप लेंगे, उसमें से 2 डिजिट्स ले लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट 3 डिजिट्स लिए रहते हैं हम जिस तरीके से, लेकिन यहां पे चूंकि खत्म हो गए तो हमने 2 डिजिट्स लिए हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तानी सिस्टम में लेंगे तो अगेन 2 डिजिट्स ही लेंगे, जैसा कि यहां पर उसने लिखा हुआ है। और एंड पे हमारे पास 1 डिजिट बढ़ गया, तो हम वो लिख लेंगे। अब बच्चे आप पढ़ेंगे किस तरीके से इसको, सबसे पहले 1,57,63,145, क्या नंबर हो जाएगा, यहां पे उसने बताया भी हुआ है 1,57,63,145। इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम जब हमने लिखा तो ये नंबर कुछ इस तरीके से बना था 15,763,145। तो बच्चे आपने दोनों की प्रैक्टिस कर लेनी है, दोनों को अंडरस्टैंड कर लेना है, ताकि आपको आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।